हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत स्पेशल आलू और राजगिरा आटे के पकोड़े की बहुत ही शानदार रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। ये रेसिपी आपके सावन को बहुत ही स्पेशल बना देगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब बिना कोई देर किए इस डिलीशियस से व्रत के पकोड़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पकोड़े बनाने से पहले हमें बनानी होगी व्रत वाली ग्रीन चटनी, वरना हम पकोड़े किससे खाएंगे। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेश हरा धनिया, जिसको कि मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है, और उसके जो बड़े बड़े डंठल थे उसे निकाल लिया है। छोटे छोटे डंठल को आप लोगों को नहीं निकालना है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ये दो हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच या आधे चम्मच से थोड़ा कम सेंधा नमक, क्योंकि ये व्रत वाली चटनी है इसलिए। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना करें। अब इसका ढक्कन लगाकर और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। ये देखिए मैंने इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट रेडी कर लिया है। इससे ज़्यादा गाढ़ी भी हम चटनी को नहीं रखेंगे, क्योंकि पकौड़े डिप करने के लिए हमें इसमें चाहिए होगा थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, बिल्कुल थोड़ा सा आपको नींबू का रस ऐड करना है, लगभग आधी चम्मच के करीब नींबू का रस ऐड करना है इसमें। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ी साइज़ का कच्चा आलू, जिसे कि मैंने छील लिया है और अच्छे से साफ़ कर लिया, धो लिया है। अब हम इसे सबसे पहले ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के लिए आप मीडियम साइज़ के जो होल है उसके अंदर इसे ग्रेट करें, उससे आपके पकौड़े जो है बहुत ही अच्छे बनेंगे। बाकी आपकी जो चॉइस, आप बड़ी साइज़ में इसे ग्रेट ना करें, या तो छोटी साइज़ में या फिर मीडियम साइज़ के छेद में इसे ग्रेट करें। मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन, इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले 4 चम्मच राजगिरे का आटा। ये 4 चम्मच राजगिरे का आटा लगभग 50 ग्राम है, 50 से 60 ग्राम के करीब है। ये देखिए मैंने इसके अंदर 4 चम्मच राजगिरे का आटा ले लिया है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच या फिर 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पर 3 से 4 काली मिर्च को ग्रेट क्रश करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, साथ ही 4 से 5 बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते। आप देख सकते हैं हमारा आलू जो कि हमने ग्रेट करके रखा था किस तरह से ये काला पीला हो गया। सबसे पहले इसे हम साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए मैंने आलू को जो अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये देखिए मैंने इसके अंदर आलू डाल दिया है। अब हम इसमें डायरेक्टली पानी का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको अच्छे से आप मिक्स करें, क्योंकि आलू के अंदर ऑलरेडी इतना सारा मॉइस्चर होता है कि हमें डायरेक्टली पानी नहीं डालना चाहिए इसके अंदर, वरना हमारा मिक्सचर जो है वो लिक्विड हो सकता है, इससे कि हमारे पकौड़े बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, बिल्कुल शेप में नहीं आएंगे। देखिए मैंने इसके अंदर अभी तक एक भी बूंद पानी का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये कितने अच्छे से बाइंड होने लग गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, सिर्फ ये बाइंड होना शुरू हुआ है पकोड़े के लिए, ये बैटर अभी बिल्कुल रेडी नहीं है। देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर पानी लिया है, मुश्किल से 2 चम्मच के करीब, और एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब मुझे थोड़ी सी और इसमें पानी की ज़रूरत लग रही है, इसलिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ। मुश्किल से आधे कप के करीब या आधे कप से भी कम पानी का हमें इसके अंदर यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा बैटर पकोड़े बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इस बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 मिनट बाद पतला हो जाएगा, जब तक कि हमारा तेल गर्म होगा। हमें तेल को पहले बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है, और पकोड़े डालते टाइम आपको गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर पकोड़े का बैटर थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। इसे पर्टिकुलर कोई शेप नहीं देना होता है, आप चाहे तो इसे गोल गोल शेप दे भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इससे बहुत अच्छा सा शेप दें। लच्छे वाले जितने भी पकौड़े होते हैं वो थोड़े शेप में आड़े टेढ़े ही होते हैं, और वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं।
मैं सारे पकोड़े एक ही बेच में फ्राई नहीं करूँगी, मैं दो बेच में पकोड़ों को बनाऊँगी। इससे कि हमारे पकोड़े जो है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आप एक ही बेच में बहुत सारे पकोड़े डाल देते हैं तो उससे होता ये है कि आपके सारे पकोड़े आपस में चिपक जाते हैं, और आप इन पकोड़ों को तब तक अलट पलट ना करें जब तक कि एक तरफ से इनका सुनहरा कलर ना हो जाए। अब अच्छे से अलट पलट करते हुए अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े का बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया है, और हमने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। हमारे पकोड़े आप देख सकते हैं कितने यम्मी लग रहे हैं, ये देखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये पकोड़े। आप मेरे कहने पर इन पकोड़ों को ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिए, और जब भी आप पकोड़ों को बाहर निकालें, किसी भी तरह के कोई पकोड़े हो, आप इस तरह से स्टेनर वाले बर्तन में ही इसे बाहर निकालें। इससे कि इनकी क्रिस्पीनेस थोड़ी सी लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहती है। देखिए मैंने सेकेंड बेच के पकोड़े भी इसके अंदर डाल दिए हैं, और प्यारा सा सुनहरा कलर आने तक हल्के हाथ से अलट पलट करते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए हमारे सेकंड बेच के पकोड़े भी बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छे बने हैं ये पकोड़े, बहुत ही अच्छे बनकर रेडी होते हैं। अभी सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, सावन में बहुत सारे लोग जो है वो व्रत करते हैं, तो आप अपने सावन के व्रत में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मैं आपको एक पकौड़ा तोड़कर बताती हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है। हमने इसके अंदर हल्दी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, इसलिए अंदर से वाइट ही होगा, ये ऐसा ही बनेगा, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इतनी प्यारी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फटाफट से इन गर्मा गर्म आलू और राजगिरे के आटे के पकोड़े को सर्व करें, वो भी ग्रीन चटनी के साथ। अगर आपने एक बार मेरे कहने पर इस पकोड़े को बना लिया ना, तो आप दोबारा इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे, आपको ये इतने पसंद आएंगे। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।